एक बेटी कन्याकुमारी तक की इस सफर पर निकली है और उनका मकसद है कि बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाड़मेर की बहादुर बेटी नीतू चोपड़ा इन दिनों बेहद मुश्किल मगर अनोखे मिशन पर हैं। बाइक के जरिए देश भ्रमण पर निकली नीतू का मिशन है बेटियों को आत्मनिर्भर बनाना, लोगों को बेटियों को बचाने का संकल्प दिलाना। उदयपुर से अपनी यात्रा शुरू करने वाली नीतू चोपड़ा जब जैसलमेर पहुंची, वहां की जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने उनका स्वागत किया। नीतू चोपड़ा ने भारत पाक बॉर्डर तक स्कूटी पर जाकर ये साबित कर दिया कि इंसान जो भी ठान ले वो हौसलों से कर ही लेता है। जिला प्रमुख अंजना मेघवाल ने इस मौके पर कहा कि आज हर कोई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम चला रहा है, लेकिन इस बेटी पर उन्हें नाज है। अभी भी वो चैलेंजेस चल रहे हैं, उसके बीच आपने जो कन्याकुमारी तक, राजस्थान से कन्याकुमारी तक जो यात्रा का एक निर्णय लिया है, ये हमारे महिला शक्ति के लिए भी प्रेरणा की बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। और ये जो राजस्थान की और विशेषकर भारत की जो महिला शक्ति और बच्चियों को एक नई प्रेरणा और एक नया संदेश देगी। वहीं नीतू चोपड़ा ने कहा कि महिलाओं को भी अपना मन हिम्मती बनाना चाहिए। बेटियों को लेकर देश भर की यात्रा पर निकली नीतू ने स्कूटी को अपने सफर का आधार बनाया। नीतू ने बताया कि उदयपुर से जोधपुर तक की यात्रा ठीक थी, लेकिन जोधपुर से बालोतरा तक का रास्ता काफी कठिन था। नीतू चोपड़ा के इस अभियान का मकसद लड़कियों को ये संदेश देना है कि वो भी किसी से कम नहीं है। अभी तक जो है 920 किलोमीटर की यात्रा हो गई है और आगे पोखरण से जोधपुर, जोधपुर से अजमेर और अजमेर से होते हुए जयपुर जाने का अभी का ये है। और ये वार्म अप राइड है, इसके बाद में जो है ऑफिशियल राइड होगी वो बालोतरा से कन्याकुमारी के लिए होने वाली है, जो कि अराउंड 2600 किलोमीटर का रास्ता है। जैसलमेर से नीतू चोपड़ा पोखरण रामदेवरा होते हुए जोधपुर जाएंगी, फिर वहां से जयपुर जाएंगी जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात करेंगी। मनीष रामदेव, जी मीडिया, जैसलमेर।